दोस्तों, अगर हम कार ड्राइव करके एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो नेविगेशन के लिए जीपीएस का यूज करते हैं। इससे हमें अर्थ पर अपनी पोजीशन का पता चलता रहता है और टारगेट लोकेशन कितनी दूर है ये भी हम देखते रह सकते हैं। लेकिन अगर हम मून पर ड्राइव कर रहे हों तो क्या होगा? तो क्या हम अपनी पोजीशन का पता लगा पाएंगे? कैसे पता चलेगा कि डेस्टिनेशन कितना दूर है? क्या मून पर भी जीपीएस यूज किया जा सकता है? तो दोस्तों, इसका आंसर है हाँ। दोस्तों, नासा है इसी तैयारी में, वो मून पर जीपीएस रिसीवर इंस्टॉल करने वाला है। स्पेस में स्पेसक्राफ्ट के लिए अपनी पोजीशन पता करना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये स्टार्स की फिक्स पोजीशन को ट्रायंगुलेट करके और नोन लैंडमार्क से अपनी पोजीशन आसानी से पता लगा सकते हैं। यही काम हम अर्थ पर भी करते थे, लेकिन कई वर्षों पहले। आज इतनी कैलकुलेशन करने की जगह हम जीपीएस से अपनी पोजीशन पता करना इजी समझते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि नासा 2024 में अपने एस्ट्रोनॉट्स को मून पर भेजना चाहता है, और इस बार का मून मैन मिशन 50 साल पहले से काफी एडवांस होगा। इस बार हम मून पर ज्यादा दूर तक ट्रेवल करेंगे, जिसके लिए उन्नत रोवर्स का यूज किया जाएगा, और इन्हें नेविगेशन के लिए जरूरत पड़ेगी जीपीएस की, जिसे नासा पहले ही इंस्टॉल करना चाहता है। पहले मून पर नेविगेट करने के लिए नासा's नेटवर्क ऑफ ग्राउंड और सैटेलाइट मेजरमेंट सिस्टम्स को यूज किया जाता था, जिससे बहुत सारा डेटा मून स्पेसक्राफ्ट और अर्थ के बीच ट्रांसफर होता था। इससे इंस्ट्रूमेंट्स की ज्यादातर बैंडविड्थ और पावर इन्हीं सिग्नल्स के आदान प्रदान में खर्च हो जाती थी। तो सिस्टम को अब इन सब से फ्री करने के लिए इस ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम को मून पर लगाया जाएगा, क्योंकि इसे काफी हाई एल्टीट्यूड पर लगाया जाएगा। इसके लिए नासा टीम न्यू नेविगेशन कंप्यूटर पर वर्क कर रही है, जिसमें स्पेशल हाई गेन एंटीना, सुपर प्रिसाइज क्लॉक और दूसरे इम्प्रूव्ड इलेक्ट्रॉनिक्स का यूज किया जाएगा। इस टीम की इस साल के अंत तक इस लुनार नेव क्यूब हार्डवेयर को कंप्लीट कर लेने की उम्मीद है। फिर ये मून पर जाने वाले अगले लॉन्च का वेट करेंगे, जिसमें इस नेव क्यूब को भेजा जा सके और टेस्ट किया जा सके। इस बार नासा मून पर कई काम योजनाबद्ध तरीके से करना चाहता है, जिसमें मून पर वाटर रिसोर्सेस का पता लगाना, हीलियम 3 के सोर्सेस को ढूंढना, मून पर बेस बनाने के लिए बेसिक प्लेटफॉर्म को रेडी करना मेन है। ये सब काम करने के लिए मून पर जीपीएस इंस्टॉल करना नासा की लंबी योजना का एक इम्पोर्टेंट माइलस्टोन है।